सिद्धार्थ तिवारी राज्य के बीजेपी में शामिल होते ही तेउथर की राजनीति और गर्मा गई है। तेउथर विधानसभा के टिकट को लेकर तेउथर से बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी के नेतृत्व में हुई बैठक, जिसमें तेउथर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कहा, यदि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेता को छोड़ किसी बाहरी नेता को टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होंगे। आइए सुनते हैं तेउथर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल तिवारी का बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो तेउथर विधानसभा का पूरा संगठन है, सब लोगों ने बैठक किया और बैठक में निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि यदि भारतीय जनता पार्टी में किसी टिकट दिया जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं रहेंगे और सबका सामूहिक रूप से यह निर्णय था सभी कार्यकर्ताओं का कि स्थानीय व्यक्ति को, जो हमारे तेउथर विधानसभा का व्यक्ति है और टिकट चाहते हैं, उन्हीं में से टिकट दिया जाए। जो पार्टी का निर्देश है, जो पार्टी की गाइडलाइन है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, स्थानीय व्यक्ति दिया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक बैठक किया। उस बैठक में इस बात को अपने पार्टी फोरम को जानकारी देने के लिए यह निर्णय लिया गया। पत्र के माध्यम से भाजपा में ही शामिल हुए सिद्धार्थ तिवारी का भी जिक्र है, तो इस विषय पर क्या करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से, मैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति से प्रभावित होता है वो आता है, काम करता है और उसके लिए तो वही ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आएगा उसका स्वागत होगा। जब पत्र लिखा गया इसमें विधायक भी शामिल है, तो विधायक जी के अलावा कौन कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के तेउथर विधानसभा के तीनों मंडल के सभी कार्यकर्ता, जो दायित्वान कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माननीय विधायक जी तो स्वयं बैठक में थे और उन्हीं के यहाँ बैठक हुई है और उस पत्र में माननीय विधायक जी सबसे पहले सहमति अपनी दिए हैं। वहीं सहमति के आधार पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सहमति दिया है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, इस बात को पार्टी फोरम में उठाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।